सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और कहा अब प्रदेश भर में गुंडे बदमाशों और भूमाफियाओं की खैर नहीं है। सिंगरौली को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गुंडे भूमाफियाओं की खैर नहीं है, उनको औकात में रखा जाएगा। सिंगरौली को सिंगापुर के तर्ज पर सभी सुविधाओं से युक्त जिला बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। सिंगरौली ने हमारी सरकार बनाने में तीनों विधानसभाओं से विधायक चुनकर मेरा मान बढ़ाया है, मैं इसका कर्ज उतारूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में माइनिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देने के साथ ही जिले में गाँव से लेकर शहर तक घर घर साफ शुद्ध पानी पहुंचाने, घर हर घर नल कनेक्शन कराएंगे। तो आज जनता की अदालत में तय हो गया, तेजी से इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे और माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली की धरती पर खोला जाएगा ताकि मेरे बच्चों को ट्रेनिंग मिले और बाद में वो रोजगार से लग जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला सिंगरौली में किया जा चुका है, डीपीआर बन रहा है, अगली बार उसके भूमि पूजन के लिए भी आएंगे। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसके साथ साथ एक आधुनिक आईटीआई की स्थापना और की जाएगी जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।